रामपुर तहसील स्वार तांडा क्षेत्र विधानसभा के सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बसपा के प्रत्याशी नवेद मियान के समर्थकों पर सपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट करने का आरोप लगाया। सपा के लोगों ने पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी से मिलकर बसपा के समर्थकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने सपाइयों को आश्वासन दिया और जांच कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। सपा के समर्थकों में और बसपा के समर्थकों में आपस में झगड़ा हो गया था, उसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी तहरीर मिली है, उसमें FIR लिखा जा रहा है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी जांच के उपरांत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी दोनों कई लोगों के विरुद्ध दी गई है और दोनों ही तरफ से तहरीरें दी गई हैं। जांच के उपरांत जो भी सही होगा उस पर और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मांग की है कि जो भी हो सही कार्रवाई की जाए, तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि सही कार्रवाई होगी। किसने मार लिया? ये बात नवाब साहब को पसंद नहीं आई और उनके गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया, और हमला नहीं किया, जान से मारने की कोशिश की। इनका नसीब अच्छा था, ये बच गए। और जिन हालातों में चुनाव है, पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है और ना इनकी रपट लिखी गई और ना कुछ किया। धमकी थी कि मुझे ना बुलाएं ये लोग। इन लोगों की इतनी खता हुई कि इन्होंने मुझे वहाँ बुला लिया। मैं प्रोग्राम करने गया, कल मेरा वहाँ प्रोग्राम था, रात पूरी प्लानिंग नवाब साहब के परिवार के कुछ लोगों ने वहाँ बैठ के कराई। शायद सुबह अपनी मौजूदगी में इनकी गाड़ी रुकवा कर इनके बर्तन तमंचे से फायर कराया, वो फायर हो नहीं पाया वरना तो एक आदमी की जान चली जाती, उसके बाद गाड़ी से निकाल।